नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं भेल के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसका डिटेल आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये एक वैकेंसी आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर FTA02/2020 और ये निकाली गई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। वैकेंसी फिक्स्ड टेन्योर बेसिस है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है, और वैकेंसी का नाम है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इन इंजीनियरिंग। ओके, तो अभी हम इसका आगे का डिटेल यहाँ पे आपको शेयर करेंगे। इन्होंने बोला है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, फिक्स्ड टेन्योर बेसिस है और 2 साल के लिए रहेगा। ठीक है, और कहाँ रहेगा, तो बिजनेस साइट, जहाँ भी ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस साइट चल रहा है भेल का, वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर आपकी अभी एक्टिविटीज बैंगलोर डिवीजन में हो रही है, इन्होंने क्लियर कर दिया। तो जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर में ही अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे, प्लस 2 साल के लिए ही उनका ज्वाइनिंग होगा, ये उनको क्लियर रहना चाहिए। एज लिमिट इन्होंने बताया कि 32 साल होना चाहिए, प्लस कब होना चाहिए, 1/3/2023 तक उनको 32 साल मैक्सिमम अपर एज लिमिट, और मिनिमम 1 ईयर कम्युलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फॉर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर में उनका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मंगा है। प्लस कैटेगरी वाइज इन्होंने देखिए क्लेरिफाई किया हुआ है, जनरल में कितना है, EWS में कितना है, OBC में कितना है, SC में, ST में, टोटल मिला के 10 पोस्ट है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जैसा हर वैकेंसी में रहता है। और बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हैं, डिप्लोमा मंगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मिनिमम 60% होना चाहिए, SC ST के लिए 50% होना चाहिए, 50%। ओके, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, पोस्ट कोड और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। FTA ये पोस्ट पोजिशन कोड है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन है, एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो है वो आप देख सकते हो, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन कमिश्निंग AMC और एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे प्रोपुलेशन सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे, AC MU आर नॉन AC MU, और आपका मेमो मेट्रो वर्क एक्सपीरियंस इन इंडियन रेलवे फॉर एबव वर्क आर एनी कोच रिलेटेड वर्क। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये जो एक्सपीरियंस मंगा है वो रेलवे के फील्ड में मंगा है, और में जो अमाउंट है सैलरी है वो 43,550 रुपीज़ है, और साथ में आपको मेडिकल वगैरह भी खुद का रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका 110 लोगों को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो है आपका अगर सेलेक्शन होता है, और अगर आपका बीच में कहीं पे 2 लोगों का आपस में टकराव है, तो आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका सेलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे और कुछ चीज़ें, हाँ यहाँ फीस आपका देख सकते हैं 200 रुपये मंगा हुआ है, और फीस के साथ साथ अब नीचे हम और आते हैं स्क्रॉल करके, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद जो भी SBI कलेक्ट से आपका बैंक चालान निकलेगा या ऑनलाइन जैसा भी आपका रिसीप्ट निकलेगा उसके साथ, ठीक है यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो भी है, उस सब चीज़ों को फाइनल प्रिंट निकाल के आपको इस दिए हुए एड्रेस पे भेजना है, भेजना है वो भी 6/5/2023 से पहले। ठीक है, और लिफाफे के ऊपर में ये आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रोजेक्ट सुपरवाइजर आर फिक्स्ड टेन्योर बेसिस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और आपको 10वीं का मार्कशीट, जाति और सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, बाकी OBC SC ST जितना भी आपको मार्कशीट डॉक्यूमेंट इन्होंने मंगा है वो सब चीज़ें आपको लाके वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, लिफाफे में भर के भेजना पड़ेगा। और देखिए स्टार्टिंग डेट है 10/4/2023 को स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग, 29/4/2023 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी जो है वो 6/5/2023, एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज 9/5/2023। ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ पे फार फ्लंग एरिया क्या है? तो यहाँ पे फोर कैंडिडेट रिसाइडिंग इन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब चीज़ें फ्लंग एरिया कहलाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, जो भी एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करिए और ज्वाइन करिए। थैंक यू।